हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज अंकुर महेंद्र। रिव्यू करेंगे विक्की विद्या का वो वाला वीडियो। कौन सा वाला? शादी की पहली रात वाला वीडियो। यही मेकर्स की चाल है आपको थिएटर्स तक खींचने के लिए, और निब्बा निब्बी भरकर आए हुए थे इसी वीडियो को देखने के लिए ताकि वो ये गलती ना करे। अब मैं आपको बताता हूं, ये फिल्म आपको थिएटर में जाकर देखनी चाहिए अपना पैसा खर्च करके या नहीं, बिल्कुल वीडियो को पूरा देखना, एंड तक देखना और आपको सब कुछ पता लग जाएगा। देखो, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, हिंदुस्तान में ना सेक्स बहुत बिकता है। अब मेकर्स कह रहे हैं ये कोई भी फिल्म का रीमेक नहीं है, पर हॉलीवुड में एक ऐसी फिल्म बन चुकी है सेक्स टेप, सेम इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बनी थी। अब मेकर से कहना है ये ओरिजिनल स्टोरी है, वो आप देखोगे ना तो आपको पता लग जाएगा, आपने अगर ओरिजिनल फिल्म देखी है तो। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, जिस मुद्दे के ऊपर ये फिल्म को बेचना चाह रहे थे ना मेकर्स, वही इस फिल्म की सबसे बड़ी कमजोरी बनकर आई। क्यों? क्योंकि वो टेप जो था ना उसको घुमाने में इन्होंने बहुत टाइम लगा दिया। अब चलो वो टाइम लगा दिया तो उसको ढूंढने में ही पूरी फिल्म खत्म कर दी। 2 घंटे 32 मिनट की फिल्म के अंदर से ना कम से कम 5 मिनट नहीं, 10 मिनट नहीं, 20 मिनट नहीं, पूरे 30 मिनट निकालने पड़ेंगे तो जाके फिल्म देखने लायक बनेगी। क्योंकि फिल्म आपकी बहुत परीक्षा लेती है भाई, कब खत्म होगी। फर्स्ट हाफ जैसे कैसे करके निकलता है, सेकंड हाफ में भी फिर से खिचड़ी पकड़ती है। अब कहते हैं ना, अच्छी स्क्रिप्ट अगर ना हो ना तो वो आपको कहीं पर भी हंसाती नहीं है। राजकुमार राव, विजय राज, भाई साहब तृप्ति दिमरी, मल्लिका शेरावत और भी एक्टर हैं, पर अगर हंसाने का काम किसने किया है ना तो सिर्फ एक बंदे ने, वो है विजय राज। ये बंदा ना स्क्रिप्ट का मोहताज है ना भाई साहब डायलॉग का मोहताज है, ये बंदा ऐसा ह्यूमर लेकर आता है ना अकेले दम पर पैसा वसूल करवा देता है। पर राजकुमार राव भी पूरी तरीके से इस फिल्म में पास नहीं हो पाए। तृप्ति दिमरी जो कर रही है वही कर रही है, नया उनके पास इतना टैलेंट नहीं है कि अपने एक्टिंग को इतना इम्प्रोवाइज करें जो आपको हैरान कर दे। हाँ, फिल्म चलती जाती है, देखना चाहते हो देखकर आ सकते हो। जैसा कि फिल्म में बताया गया ना 97% परिवारिक, हाँ वही है, एक आध सीन चुमा चाटी का है पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं कहना चाहूंगा मेरे लिए ये फिल्म जो है ना एक एवरेज फिल्म बनकर निकली है, कुछ खास मुझे मिला नहीं और खास मैं हंसा भी नहीं। और एंड में तो इन्होंने भाई साहब स्त्री वाला एंगल डाल दिया, ये सब चीज नहीं करनी चाहिए थी। और जब देखो 15-20 मिनट के बाद एक गाना जाता है और गाना आता है फिल्म की गति को और खराब करके चला जाता है, इतने गाने डालने की जरूरत क्या थी। तो मैं अगर फिल्म को रेटिंग देना चाहूँ ना तो मैं रेटिंग देना चाहूंगा 2.5 स्टार आउट ऑफ 5। कुछ खास मेरे को नहीं मिला इस फिल्म से, हो सकता है आपको सही लगे, जाकर देखना है तो देख लो, पर मेरे लिए फिल्म एक एवरेज फिल्म बनकर साबित हुई। हाँ, अगर भाई साहब 30-32 मिनट फिल्म को काट दिया जाता तो शायद ये फिल्म देखने लायक बन सकती थी। बाकी आपकी क्या राय है जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।